हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप मेरी क्लाइंट्स का हेयर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है और इस पर मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं दिखाने वाली हूँ शोल्डर लेंथ बॉब हेयर कट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको करना कैसे है। बालों को प्रॉपर तरीके से मैं गीला कर लूँगी। आप देख सकते हैं मेरी क्लाइंट्स का हेयर, मैंने पिक में भी आपको शो कर दिया है और साथ ही साथ आप वीडियो में भी देख रहे हैं। और बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ। जैसे बॉब कट के नाम से कई लोग सोचते हैं ना कि बहुत बड़ी कोई कटिंग होगी, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा। मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत ही इजी कट है, बहुत ज़्यादा इजी कट है। मैं इस तरीके से आप सबको बताऊँगी कि आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो पहले आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस आपको हेयर को प्रॉपरली गीला कर लेना है तरीके से। और ये ऑलरेडी खुद भी जो है एक हेयर ड्रेसर है, इनका खुद भी जो है पार्लर है, ये हैदराबाद में पार्लर चलाती हैं। बट इनको जब भी अपना हेयर कट करवाना रहता है तो हमेशा मेरे पार्लर में आती है, मेरे से ही करवा के जाती हैं। तो इसके पहले तो खैर मेरा चैनल था नहीं, तो जब भी आई हैं तो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन अब जब जब ये हेयर कट लेने आएंगी तब तब आप मेरी वीडियो में इनको देख पाएंगे। तो इस तरीके से क्या करूँगी मैं, जितना इनको शॉर्ट करना है पहले मैं वहाँ से पोनी बना रही हूँ। और ये जो आ रही हैं ये हैं मेरी क्लाइंट्स की मम्मी, पीछे से देख रही हैं कि कितना हेयर इनको कटवाना है। इस तरीके से देखिए, और मैं अब अपनी क्लाइंट से पूछ रही हूँ कि उनको उस सच में कितना शॉर्ट करवाना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, वो अपनी लेंथ को देख रही हैं कि उनको कितना शॉर्ट करना है। ठीक है, तो पौनी मैं बना ली हूँ, तो जितना मैं पौनी बनाई हूँ उनको बिल्कुल परफेक्ट लगा। और मैं वहीं से कट करने वाली हूँ। मैंने आंटी जी को बोला कि आप बैठ जाइए, और इसलिए ताकि आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, पौनी बन जाने के बाद में पौनी के नीचे से नहीं कट करना है आपको, पौनी के जस्ट ऊपर से कट करना है। और एक साथ में ही कट करेंगे तो बिल्कुल बराबर कट करते हुए चलेंगे, और सीजर को बहुत ही अच्छे से चलाएंगे ताकि अच्छे से क्लीन तरीके से आपका हेयर कट होना चाहिए वहाँ से। और काफ़ी थिक हेयर है, आपने देखा ही मेरी क्लाइंट्स का हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट इनको शॉर्ट करवाना था और ये हमेशा शॉर्ट करवाती, बट इनका हेयर काफ़ी जल्दी लॉन्ग भी हो जाता है, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, और इस तरीके से कट होने के बाद तो ऑलरेडी एक अच्छा सा जो है लेबल कट का शेप तो आ ही जाता है। लेकिन इस पर जो है मैं जो है बॉब कट करूँगी, तो बॉब कट करने के लिए कोई हवा नहीं है ये कटिंग, मैं सबको क्लियर तरीके से आप सबको बता देना चाहती हूँ। बहुत ईजी कटिंग है, बल्कि स्टेप्स वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा मेथड होता है करने का, लेकिन इस कटिंग में ऐसा कोई भी ज़्यादा प्रोसेस आपको नहीं करना है। देखिए, तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सेंटर से जो हमारा सबसे बीच के बाल होते हैं उसी को हम सेंटर बोलते हैं, तो वहाँ से इस तरीके से बालों को उठा लेना है आपको, और अपने टू फिंगर्स के बीच में अच्छे से ग्रिप कर लेंगे, क्योंकि अब हमको इसमें शेप देना है। ये देखिए, और अच्छे से कोम करते हुए बालों को पकड़ लेंगे ऐसा, और इसको जो है लेवल कट करेंगे, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप लेवल कट कर देंगे। और इसी से गाइडलाइन लेते हुए आपको साइड के बालों में भी कट करते हुए जाना है इस टाइप से। ये देखिए, और जैसे ही आप जब ये जो हमारा शोल्डर होता है ना, कंधे के पास में आप कट करने जाएंगे तो आप वहीं पे खड़े होंगे, उसी जगह पे जाके शोल्डर के पास में, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं शोल्डर के पास में ही खड़ी होके कट कर रही हूँ इस तरीके से। तो ऐसा कुछ भी आपको तिरछा कटिंग करना ये वो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, बस सेक्शन वाइज लेते हुए जाना है और इस तरीके से हल्का सा गोलाई दे देना है नीचे से, लाइट सी बिल्कुल। और जैसे आप लेयर बाय लेयर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, तो उसमें शेप ऑलरेडी आते जाता है। आप कट करते जाइए और अपनी गाइडलाइन को लेते हुए बराबर करते चलेंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैं बराबर ही कट कर रही हूँ, बट आप देख पाएंगे कि उसमें शेप जो है हल्का सा गोलाई वाला दिखेगा। इस तरीके से पकड़ना है और कट कर देना है। और हेयर काफ़ी ज़्यादा थिक है, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको दो भागों में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, जैसे आधे बालों को पहले क्लिप कर दें, जैसे कि मैंने और भी कटिंग में बताए हुए हैं, बाकी बहुत सारी गर्ल्स लोग के ऊपर किया हुआ था, तो सब लोग बोल रहे थे कि किसी बड़ी पे बताइए, वुमेंस पे बताइए, तो इसके लिए मैं इनके ऊपर कर रही हूँ।
ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से कर लेना है। और जैसे जैसे आप शोल्डर की तरफ जाएंगे आप भी वहीं उसी तरफ खड़े होते जाएंगे। ये देखिए, तो इसमें प्रॉपर शेप ऑलरेडी बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप देख पाएंगे लास्ट में। और वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब फर्स्ट टाइम अगर मेरा वीडियो आप वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो के साथ में अपडेट रह सकें। तो देखिए इस तरीके से कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग में आप थोड़ा अच्छा टाइम देके करेंगे ताकि एकदम हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भी आपको अनइवन लगेगा उसको बिल्कुल लाइट लाइट सा कट करते हुए चले जाना है। नीचे नीचे से पूरे चेक कर लेंगे। तो मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आपको एक साथ कट करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको आधा आधा डिवाइड कर लें, आधे बालों को ऊपर क्लिप कर दें, पहले नीचे का कट कर लें, उसके बाद ऊपर के बालों को ओपन करके नीचे की तरफ ला के अंदर के बालों के अकॉर्डिंग आप हल्का सा बड़ा करके कट करेंगे। बट मैं ये डायरेक्ट वाला आपको बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे बालों को नीचे की तरफ लाना है और कट कर देना है। और ये जो शोल्डर के पास में है ना, इसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे आप, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा गोलाई देना है, इस तरीके से दबा लेंगे, हाथ से दबाते हुए करेंगे। बॉब कट करना बहुत इजी है यार, बहुत सारे लोग इतना हवा बना के रखें कि बॉब कट बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देख पाएंगे। और ये खुद ऑलरेडी एक हेयर ड्रेसर हैं, हेयर कट करती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हैदराबाद में इनका खुद का सैलून है, पार्लर है, काफ़ी बड़ा है। और हमेशा रूटीन को जब भी कटिंग कराना रहता है वो यहीं पर आती हैं करवाने के लिए। ये देखिए एक प्यारा सा शेप आ गया है इसमें, उस टाइप से। और शोल्डर के पास में आप गोलाई दे देंगे, इस तरीके से दबा दबा के कोम करके अच्छे से चेक कर लेंगे बालों को। और हल्का सा क्या है कि पफिनेस भी है बालों पे, तो आप इस तरीके से दबा दबा के चेक करते चलेंगे। चेक करने का मतलब यही नहीं है कि बार बार आपको कट करना है, पकड़ पकड़ के आप बालों को देख लेंगे। अगर ज़रा सा भी आपको लगे, एक समझ लीजिए कि सेंटीमीटर में भी लगे या आधा सेंटीमीटर में भी लगे, तो आप उसको तुरंत कट कर देंगे, हल्का सा चॉप करते हुए आपको चले जाना है। ये देखिए इस तरीके से मैं चेक कर रही हूँ इस टाइप से। और ये इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि इनके जो रिबॉन्डिंग की वजह से और हाईलाइट की वजह से बाल जो है बीच बीच से थोड़ा सा क्रैक हो गए हैं, तो वो जो ऊपर के बाल जब टूट टूट जाते हैं ना तो वो इस तरीके से निकलते हैं। तो आप इस तरीके से दबा दबा के हाथों से देख लेंगे आप, और बहुत ही आराम से धीरे धीरे कट करते चले जाएंगे। टाइप से। और आप लोग वुमेंस के ऊपर बोल रहे थे तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को वुमेंस के ऊपर भी दिखा देती हूँ। ये एक वो काफ़ी बड़ी हैं और ये 35 के समथिंग है इनकी एज, ये भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी शिकायत ना रहे, कई लोग एज भी पूछने लगते हैं। ये देखिए मैं दबा दबा के देख रही हूँ, कहीं भी ऊपर नीचे मुझे नहीं लगना चाहिए, अगर लगेगा तो उसको मैं प्रॉपर रिबन करूँगी टाइप से। ठीक है, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और टाइम देके अच्छा सा हेयर कट कंप्लीट करेंगे। और अभी मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ, ओनली चेक कर रही हूँ, और सीजर को चला के हल्की सी जो एक 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 बाल भी ऊपर नीचे दिख रहा है ना उसको मैं सिर्फ चॉप करते जा रही हूँ। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैं इनका फ्रंट लुक भी आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आया इनके हेयर कट का लुक, ये बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी हेयर कट देख के। और थैंक यू सो मच कि आप सबको मेरे हेयर कट की वीडियो बहुत पसंद आती हैं, तो बस ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट हमेशा देते रहिएगा। ये देखिए तो ये जो है कम्प्लीट हो गया है इस तरीके से, और मैंने इसमें हल्का सा ड्रायर चलाया है तो इन साइड आप इसको सेट कर सकते हैं। सेटिंग की तो वीडियो मैंने डाली भी हैं बहुत सारी, ये देखिए पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है ये। तो इसमें आपको यू नहीं देना है, इसमें आपको लाइट सा बिल्कुल घुमाना है बालों को, और आपको फ्रंट की तरफ भी मैं करके पूरा दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं हेयर कट होने के बाद ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हैं अभी इस टाइप से।
और ये फ्रंट पे आएगा ना तो ऐसा लुक दिखेगा, आप देख सकते हैं इस तरीके का लुक आएगा। और ये सामने की लेयर थोड़ी सी बड़ी दिखेंगी क्योंकि जब बॉब कट होता है ना तो इसमें ऐसे दिखता है। और ये खुद भी एक पिक ले रही हैं, बोल रही हैं कि मेरा एक पिक ले लीजिए पीछे से और मैं अपने स्टाफ को दिखाऊंगी जाके वहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ गया इनके हेयर कट पर, बाउंस भी बहुत आ गए हैं। और ये है इनका जो है कटिंग होने के पहले के हेयर हैं और ये वाला है कटिंग होने के बाद का, तो आप पिक में देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर। तो आप लोग की रिक्वेस्ट आज पूरी हो गई बॉब कट की, बाय।